गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एक्सप्लेन क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.1। इंट्रोडक्शन हम पहले ही करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन, यानी तीन क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको इनके बीच के पांच रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फाइव रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, ये माइनस वन एंड जीरो, तो पहले माइनस वन के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो रख सकते हैं, वो वन रख सकते हैं, जीरो के नीचे भी वन रख सकते हैं। देखो, अब एलसीएम इक्वल है, हमें एलसीएम इक्वल करना पड़ता है, हमें फाइव रेशनल नंबर लेने हैं, तो फाइव से अगला डिजिट कौन सा होता है? सिक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये वर्क जब ही होगा जब एलसीएम इक्वल हो। तो देखो, माइनस वन इंटू सिक्स वन इंटू सिक्स, जीरो इंटू सिक्स वन इंटू सिक्स, सिक्स वन जै सिक्स माइनस का अपॉन सिक्स, सिक्स इंटू जीरो जीरो, सिक्स वन जै सिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन। अब इनके बीच के नंबर बिटवीन नंबर आर, देखो माइनस सिक्स के बाद क्या आता है? माइनस फाइव अपॉन सिक्स, फिर माइनस फोर अप, यानी नीचे के नंबर तो वही सिक्स सिक्स आएंगे, माइनस सिक्स की जगह माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन अपॉन में सिक्स सिक्स। अब देखो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट हो गए। अब सेकंड देखो, माइनस टू अपॉन वन एंड माइनस वन अपॉन वन, इनका हमें पांच नंबर चाहिए, एलसीएम इक्वल है, वन वन है दोनों के नीचे, तो हम दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिक्स से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो माइनस टू इंटू सिक्स अपॉन वन इंटू सिक्स एंड माइनस वन अपॉन वन इंटू सिक्स, दोनों को सिक्स से इंटू करेंगे, ये माइनस के ट्वेल्व अपॉन सिक्स एंड माइनस के सिक्स अपॉन सिक्स। अब बिटवीन नंबर, बिटवीन नंबर आर, देखो माइनस इलेवन अपॉन सिक्स, माइनस टेन अपॉन सिक्स, माइनस नाइन अपॉन सिक्स, माइनस एट अपॉन सिक्स और माइनस सेवन अपॉन सिक्स। देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा कि फाइव को थ्री से इंटू कर दें और थ्री को फाइव से, नीचे थ्री से इंटू किया तो ऊपर भी थ्री से इंटू, यहाँ भी फाइव से इंटू, तो माइनस के ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन एंड माइनस के टेन अपॉन फिफ्टीन। देखो, अभी नीचे वाले नंबर इक्वल हुए हैं, अब पांच नंबर चाहिए तो हमें सिक्स डिजिट से सबको इंटू करना है एलसीएम इक्वल करने के बाद। पहले क्वेश्चनों में दोनों इक्वल थे, 72, 90 एंड 60 अपॉन 90। अब पांच नंबर लिखने, बिटवीन नंबर माइनस 71 अपॉन 90, माइनस 70 अपॉन 90, माइनस 69 अपॉन 90, माइनस 68 अपॉन 90, माइनस 67 अपॉन 90, ये फाइव डिजिट हो गए। अब ये सिमिलर इसी तरह टू और थ्री एलसीएम इक्वल लेंगे, तो टू का थ्री से इंटू कर दो, थ्री का टू से, नीचे टू का इंटू हुआ तो ऊपर भी टू से, यहाँ भी थ्री से, माइनस थ्री अपॉन सिक्स एंड फोर अपॉन सिक्स। अब देखो, पांच नंबर चाहिए थे हमें, सबका सिक्स से इंटू, अब माइनस एटीन अपॉन थर्टी सिक्स, ट्वेंटी फोर अपॉन थर्टी सिक्स। अब बीच के पांच नंबर, बिटवीन नंबर माइनस सेवनटीन अपॉन थर्टी सिक्स, माइनस सिक्सटीन अपॉन थर्टी सिक्स, माइनस फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स,
माइनस 14 अपॉन 36 और माइनस 13 अपॉन 36, ये पांच नंबर हो गए। तो इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फोर रेशनल नंबर इन ईच पैटर्न्स। देखो ऊपर थ्री की टेबल चल रही है तो हम लिख देंगे 15, 18 माइनस के, 21, 24। नीचे फाइव की टेबल चल रही है 25, 30, 35, 40, आगे के फोर डिजिट हो गए। यहाँ वन की टेबल चल रही है माइनस है तो माइनस का साइन साथ में, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7। नीचे फोर की टेबल चल रही है 4 8 12, 4 4 16, 20, 24, 28, ये फोर स्टेप हो गए। यहाँ वन की टेबल चल रही है, देखो यहाँ ऊपर माइनस है या नीचे प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है यानी है नेगेटिव, एक तरफ माइनस नंबर होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये 5 6 7 8, यहाँ 6 की टेबल चल रही है माइनस के 30, नीचे माइनस है तो ऊपर नहीं लगाएंगे, 36 42 48। ऊपर टू की टेबल चल रही है 6 2 3, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे थ्री की टेबल है माइनस 12, माइनस 15, माइनस 18, माइनस 21। इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव फोर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, ऊपर माइनस टू है तो टू की टेबल लिखेंगे, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 10। नीचे 7 की टेबल, 7 2 14, 21, 28, 35। ऐसे सिमिलर ये भी करेंगे, 10, 15, 20 और 25। 5 की टेबल लिखी ऊपर, नीचे 3 की, माइनस 6, माइनस 9, माइनस 12, माइनस 15, यानी 3 है तो 3 की और टेबल और माइनस है तो माइनस का साइन। 4 2 8, 4 3 12, 16 20, ये 18 27, 36 45। अब देखो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो यही आंसर आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ऑन इट। आपको नंबर लाइन बनानी है। अब देखो पहली है 3/4, मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन यहाँ खींच रखी है, प्लस का है तो 0 के राइट हैंड साइड में, नीचे 4 है तो देखो मैंने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट किए हैं। देखो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4 है, 4 1 4, इसलिए नीचे वाले पार्ट का जो लास्ट डिजिट है 1 हो जाता है, तो हमें नंबर लाइन पे 3/4 यहाँ आएगा। अंडरस्टैंड? 0 से माइनस की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8/8 है माइनस का, इसलिए 8 1 8, माइनस 1, तो ये कहाँ होगा 1 2 3 4 5, यहाँ होगा माइनस 5/8। माइनस 7/4, देखो नीचे के जितने पार्ट है नंबर है डिनोमिनेटर के वहाँ पे 1 लिखते हैं, तो माइनस के 0 से 1 2 3 4, यानी 4/4 पे माइनस 1, 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस के 2, क्योंकि ये तो ये कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा 7/4, क्योंकि यहाँ तो 8/4 होता है तो माइनस 2 है। 7/8, देखो प्लस का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, क्योंकि यहाँ तो 8/8 का मतलब 1 हो ही गया। तो अंडरस्टैंड, यानी इसका और एक्स, ये 1/8 होता है, ये 1/4
वो 2/8 होता है, ये 3/8 होता है। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखेंगे, जितनी लाइनें हैं उतनी लाइनें इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। लास्ट में जहाँ 8 लाइन कंप्लीट हो जाए वहाँ 1, फिर 8 लाइन कंप्लीट हो जाए वहाँ 2, इस तरह फिर कंटिन्यू लाइन गिन के उस पर रख दो। सॉल्यूशन 5, अब देखो द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल आर एस इक्वल एस यू एंड ए पी इक्वल पी क्यू एंड क्यू बी, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाई पी क्यू आर एस। देखो पी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, देखो 0 से इधर 1 और 2, 2 हो गया होल पार्ट। अब 2 के बाद ये कितने पार्ट हैं टोटल, देखो 1, 2 और 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट पी का ऊपर लिखा, टोटल पार्ट नीचे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, 3, 2 जै 6, 1, 7 यानी मिक्स को उसमें चेंज कर दें तो 2 × 3 + 1/7 क्यू रिप्रेजेंट, देखो ये 2 होल पार्ट है। अब क्यू कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, टोटल पार्ट इसके 3 हैं, 3, 2 जै 6 और 2 8/3। आर रिप्रेजेंट, इधर आर को देखें, ये नेगेटिव की तरफ है तो पहले तो माइनस आएगा 0 से, सॉरी पहले माइनस आएगा तो ये क्या आएगा 1। अब आर पहले नंबर पर है, 1, 2 टोटल पार्ट कितने 3, तो 3 × 1 = 3 और 1 = 4/3 यानी मिक्स फ्रैक्शन में −1 और 3 × (+1/3) 3 × 1 = 3 1/4/3 एस रिप्रेजेंट, देखो एस ये −1 होल पार्ट हो गया, 1 और 2 सेकेंड नंबर पे, टोटल पार्ट इस कॉलम के 1, 2, 3 3 × 3 और 2 = 5/3 ये। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। देखो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, −7 का ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यूँ तिरछे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, −7 × 9 = 63 माइनस का, 21 × 3 = 63 दोनों अलग अलग हैं तो सेम रेशनल नंबर है, नो। देखो −16 × 25 और 20 × 20 ये 400, ये माइनस के 400, नो। वैसे भी एक नेगेटिव इंटीजर से एक पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, −2 × 3 ये वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, −6 ये यूँ 2 × −3 − 6 दोनों नंबर सेम आए तो क्या लिखेंगे, यस ऐसे ही −3 × 20 − 60 अब 5 × −12 − 60 दोनों नंबर इक्वल है सेम साइन के तो यस, 8 × 15 = 120 −5 × −24 24 × 5 = 120 −± + तो ये भी यस, ये नंबर इक्वल आने चाहिए। 1 × 9 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे मल्टीप्लाई होते हैं, 9, 3 × −1 − 3 नो, ये −5 × −9 −± + 45 −9 × 5 −45 ये प्लस का है ये माइनस का है नो। तो आई होप दैट अंडरस्टैंड कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बेटा इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये दोनों किससे कट रहे हैं 2 से,
टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ये किससे कट रहे हैं, फाइव से फाइव, फाइव जा नाइन, फाइव नाइन जा फोर, यानी दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। ये किससे पहले, टू से, माइनस की 22 और ये टू, ये 36, अभी भी टू से, माइनस के 11 और ये 18, यानी ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही डिजिट से डिवाइड होने चाहिए। देखो ये डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, इट इज़ द सिंपलेस्ट फोर। अब हम बात करें एट्थ क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। देखो माइनस का नंबर हमेशा छोटा है तो इसमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये माइनस का, ये प्लस का है तो स्मॉलर देन। अब ये दोनों माइनस के तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट माइनस फोर का सेवन से पहले, माइनस के 28, फिर माइनस फाइव का फाइव से करना है तो माइनस के 25। देखो कौन सा नंबर छोटा है, पहले वाला, क्योंकि माइनस का नंबर जितना बड़ा है वही छोटा होता है, ये साइन। अब यहाँ पे देखें आप, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिजिट बड़ा होता है, सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो पहले ध्यान रखना माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, डिजिट चाहे ये पहले लिखें चाहे ये लिखें। अब माइनस सेवन इंटू फाइव, माइनस के 35, तो देखो यहाँ कौन सा नंबर छोटा है, दूसरे वाला, तो इसका मतलब ये साइन लगेगा, यानी पहला नंबर बड़ा तो पहला डिजिट ग्रेटर, दूसरा नंबर बड़ा तो दूसरा वाला ग्रेटर, इसलिए पहला इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ वन का इंटू फोर से फोर, फिर माइनस थ्री का माइनस वन से, थ्री वन जा थ्री, ग्रेटर देन का साइन, पहला नंबर बड़ा है। या फाइव इंटू इलेवन, 55, पहले इसका इससे करना है, सेकंड माइनस फाइव का माइनस इलेवन से, माइनस माइनस प्लस 55, दोनों इक्वल आ गए तो इक्वल का साइन, इसमें माइनस का नंबर हमेशा बड़ा होता है तो ये साइन। अब विच इज़ ग्रेटर इन ईच केस, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, वो या तो इसमें एलसीएम मेथड भी हो सकता है, और जो मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसमें तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ, पहले इसका इससे इनटू करना है, ये वाला है टू टू जै फोर, सेकंड में थ्री का फाइव से इनटू करना है, फिर सेकंड नंबर पे ये करना है 15। अब देखो पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बिग है, इट मींस 5/2 इज ग्रेटर, समझ गए। यहाँ पे माइनस फाइव इंटू थ्री, पहले यही करना है, फिर 6 इंटू माइनस फोर, माइनस के 24, कौन सा नंबर बड़ा है, ये पहले वाला, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा है, माइनस 5/6 इज ग्रेटर। अब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, पहले यही मल्टीप्लिकेशन होता है 9, फोर इंटू टू 8, पहला नंबर बड़ा है तो माइनस 3/4 इज ग्रेटर। अब माइनस वन इंटू फोर, अब इसमें तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो 1/4 इज ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 3 21 और 2 23/7 माइनस का, 5 3 15 और 4 19/5 माइनस का, माइनस एक ऊपर लगा लो दोनों में। अब वही पहले इसका इससे इनटू, या एलसीएम मेथड भी समझा दूं मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 एलसीएम, तो माइनस 23 का इंटू फाइव से, 7 5 जा 35,
और माइनस 19 का इंटू 57 जैसे, इनका मल्टीप्लाई 23 इंटू 5 3 जै 15 कैरी 1 10 और 1 11 115 और 979 जै 63 कैरी 71 जै 7 और 613, ये भी माइनस का। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है क्योंकि माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। माइनस 23 अपॉन 7 इज ग्रेटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, देखो ये एक्सप्लेन कर दूं मैं यहाँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस 23 इंटू 5 वही तो होना था माइनस 115, सेकंड माइनस 19 का मल्टीप्लाई 7 वही माइनस 133। तो कैसे भी करें, देखो क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस का सबसे बड़ा नंबर वो छोटा, माइनस 3/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 इट इज़ योर सॉल्यूशन। सेकंड माइनस 1/3 माइनस 2/9 माइनस 4/9, नीचे वाले नंबरों के एलसीएम देखो 393, हमेशा एलसीएम नीचे वाले नंबरों के लेते हैं, 3 1 3 3 3 9 3 1 3 1 1 1 3 3 9 एलसीएम हो गया। अब देखो 3 का 3 से इंटू करेंगे जब भी तो 9 आएगा, तो ऊपर भी 3 से इंटू करना, ये कर दिया, ये ऑलरेडी 9 है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ 3 का यानी इसके इक्वल करना है एलसीएम के, 3 3 9 तो ऊपर भी 3 का इंटू माइनस 4 3 माइनस 12/3। देखो माइनस 3/9 माइनस 2/9 माइनस 12/3, सबसे छोटा नंबर माइनस 12/3, उससे बड़ा बड़ा माइनस 3/9, उससे बड़ा माइनस 2/9, क्योंकि असेंडिंग में छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है, तो माइनस 12/3 लास्ट वाला था, तो माइनस 4/3 आ गया, माइनस 3/9 पहले वाला था, तो ये माइनस 1/3 आ गया, ये माइनस 2/3 आपके क्वेश्चन में माइनस 9 है। तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 3/7 माइनस 3/2 माइनस 3/4, 7 2 4 का एलसीएम, 7 2 4 2 1 2 2 2 4, 7 डिवाइड नहीं हो तो 7 के 7, 2 से सिर्फ 2 डिवाइड होगा 1, बाकी एज इट इज, 7 1 7 1, 2 × 2 × 7 इनका मल्टीप्लाई 28, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमें 28 करना है। तो देखो पहली डिजिट माइनस 3/7 7 × 4 = 28 होता है, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस 12/28। अब नीचे 28 को 2 से डिवाइड करो तो 14 × 2 = 28 होते हैं, ऊपर भी 14 × 3 = 42 28, 7 4 = 28 तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 = 21 माइनस के। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है, क्योंकि न्यू माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा है, तो बीच वाला पहले लिख देंगे माइनस 3/2, उसके बाद ये माइनस 3/ फिर उसके बाद ये, तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया, पहले ये बड़ा था तो ये माइनस 3/2, उससे छोटा ये था तो माइनस 3/4, सबसे बड़ा ये है माइनस 3/7। तो ये क्रम था हमारा इसमें देखने पर, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से देखे और यहाँ लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में रहते हैं। तो आई होप दैट इट इज़ अ क्लियर, दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीट, यू लिसन द दिस क्लास प्रॉपरली एंड डू इन योर होमवर्क नीट एंड क्लीन। थैंक यू।